अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या है? लाइसो मीन टू ब्रेक डाउन और टू स्प्लिट, और सोमा मीन बॉडी। तो सो दैट द लाइसोसोम्स, दीज आर द पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द सेल, विच आर इन्वॉल्व इन द स्प्लिटिंग ऑफ द सर्टेन कंपाउंड्स, ठीक है, और इन द कैटाबोलिज्म ऑफ द सर्टेन कंपाउंड्स। तो लाइसोसोम्स आर एक्चुअली फाउंड इन द साइटोप्लाज्म एंड दीज आर द डिफरेंट फ्रॉम द ऑल अदर ऑर्गेनेल्स एज फार एज देयर मॉर्फोलॉजी इज कंसर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज वर डिस्कवर्ड बाय द डी ड्यूव इन द 1949 एंड ही फाउंड इट इन द मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स। लाइसोसोम्स करते क्या है? कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट या कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब किसी भी सेल में एंटर होता है तो इमीडिएटली इट इज़ टेकन अप बाय द लाइसोसोम्स। लाइसोसोम जो है वो उसको टेक अप कर लेते हैं एंड ब्रेक डाउन उसकी करते हैं इनटू द सिंपल सब्सटेंसेस आर द डाइजेस्टेबल सब्सटेंसेस एंड दिस प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड एज द फैगोसाइटोसिस। यानी इस प्रोसेस को या इस ईटिंग को हम फैगोसाइटोसिस का नाम देते हैं, जिसमें सेल के अंदर जो भी कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर होता है इट इज़ टेकन अप बाय द लाइसोसोम्स। लाइसोसोम जो हैं वो उसको टेक अप कर लेते हैं। तो इसलिए ये लाइसोसोम्स जो हैं उन्हीं एनिमल सेल्स में जो हैं ज़्यादा अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं जिन सेल्स में फैगोसाइटिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इनका काम ही फैगोसाइटोसिस है। तो इसलिए जिनमें फैगोसाइटिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी वहाँ पर इनका नंबर जो है वो ज़्यादा होता है। ये वो वाले ऑर्गेनेल्स हैं विच आर बाउंडेड ओनली बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी एक मेम्ब्रेन ही इनके इर्द गिर्द जो है वो प्रेजेंट है। आप यूँ समझ रहे जिस तरह से छोटे छोटे सैक्स हैं, मेम्ब्रेन्स ने उन सैक्स को जो है सैक्स की शक्ल में उनको जो है वो बाउंड किया हुआ है एंड दीज आर रिच इन द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या होते हैं? जो कि ब्रेक डाउन कॉज करते हैं। एसिड फॉस्फेटेज और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कि अब एंजाइम जो हैं वो अबंडेंटली इनमें प्रेजेंट होते हैं, और ये एंजाइम जो कि इनमें प्रेजेंट होते हैं दीज आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि वहाँ पे जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इन एंजाइम्स की सिंथेसिस करते हैं। एंजाइम क्या है? वो भी एक्चुअली हमारे पास प्रोटीन्स ही होती हैं, इसलिए राइबोसोम्स उनकी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद ये प्रोटीन जो हैं गॉल्जी ऑपरेटस पे जाती हैं, गॉल्जी ऑपरेटस में जाके इनकी फाइनल जो है वो फिनिशिंग होती है एंड देन दीज आर बडिड ऑफ एज द गॉल्जी वेजिकल्स। और जब ये गॉल्जी वेजिकल से प्रोड्यूस होते हैं या बड आउट होते हैं दीज आर कॉल्ड एज द प्राइमरी लाइसोसोम्स। तो इनको हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स। यहाँ पे ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये यहाँ पे ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके साथ राइबोसोम्स अटैच है, यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। यानी प्रोटीन क्या? यानी वही एंजाइम जो कि हम कहते हैं लाइसोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। और वो एंजाइम्स उसके बाद आते हैं गॉल्जी ऑपरेटस में, गॉल्जी ऑपरेटस में आके यहाँ पे उनकी जो है वो फाइनल प्रोडक्ट्स की शक्ल जो है वो उनको दी जाती है, फर्दर उनकी प्रोसेसिंग होती है एंड देन दीज आर बडिड ऑफ फ्रॉम द गॉल्जी ऑपरेटस। तो देन दिस इज़ कॉल्ड एज द लाइसोसोम। तो यहाँ पर हम उसको जो है वो लाइसोसोम्स का नाम देते हैं। और ये आप देख रहे हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कोई भी फूड पार्टिकल जो है वो आके जब टच करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसको सराउंड करके उसको जो है वो टेकअप कर लेती है, एनगल्फ कर लेती है उसको पार्टिकल्स को। एंड जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको एनगल्फ कर लेती है दैन दिस इज़ कॉल्ड एज द फूड वैक्यूल। यानी उसके इर्द गिर्द जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अंदर जो है वो कोई भी फूड पार्टिकल जो कि एंटर हुआ है उसने कैच किया है, तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फूड वैक्यूल। ये फूड वैक्यूल है और इधर से ये हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम है। ये प्राइमरी लाइसोसोम और फूड वैक्यूल जो हैं ये दोनों आपस में जो है एसोसिएट करके देन दे फॉर्म द सेकेंडरी लाइसोसोम। ये हमारे पास सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया। अब यहाँ पे लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो कि ब्रेक डाउन कॉज करने वाले एंजाइम हैं या डाइजेशन कॉज करते हैं, वो एंजाइम इसके ऊपर एक्ट अपॉन करते हैं। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन और इस तरह से जो है वो डाइजेशन हो जाता है। इसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं या फैगोसाइटिक एक्टिविटी का नाम भी दिया जाता है।
दो लाइजोसोम जो हैं दीज आर आल्सो इन्वॉल्व इन द ऑटोफैगी। ऑटोफैगी का मतलब ऑटो मीन इट्सेल्फ, यानी सेल्फ ईटिंग। सेल्फ ईटिंग के काम में भी ये इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि सेल के कुछ सेल जैसे जैसे दे बिकम द ओल्डर, पुराने होते जाते हैं, उनके कुछ पार्ट जो है वो सेल के वो वॉर्न आउट हो जाते हैं, कुछ ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह या कुछ जो भी जो है पुराने पार्ट्स जो हैं उनके, दीज आर डाइजेस्टेड। तो उनको भी डाइजेस्ट करने का काम जो है वो लाइजोसोम करते हैं। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि ये लाइजोसोम जो है ओल्ड जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह उनकी जो है वो उनको ईट अप कर लेते हैं, यानी सेल्फ ईटिंग, यानी सेल की एक सेल्फ ईटिंग प्रोसेस है ये चलता है। तो इन दिस वे द मटीरियल ऑफ द सेल्स दीज आर ओल्ड मटीरियल्स या ओल्ड ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल्स दीज आर द डाइजेस्टेड एंड इन दिस वे द मटीरियल ऑफ द सेल इज द रिसाइकल्ड और रीन्यूड हो जाता है सेल इस प्रोसेस के थ्रू। देर एंजाइम्स कैन आल्सो रिजल्ट इन द डीजनरेशन ऑफ द सेल। तो ये सेल्स की डीजनरेशन में भी रोल जो है रोल प्ले करती हैं। लाइजोसोम्स आल्सो प्रोड्यूस द एंजाइम विच आर एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द सेल फॉर द डाइजेशन, यानी ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए भी एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। मैनी कंजेनिटल डिजीजेज हैव बीन फाउंड टू बी अकर दैट ड्यू टू द एकमुलेशन ऑफ द सर्टन सब्सटांसिस विद इन द सेल। बहुत सारी कंजेनिटल डिजीजेज जो है वो इसी वजह से भी होती हैं कि कुछ सब्सटांसिस जो हैं वो सेल में एकमुलेट कर जाती हैं, यानी वो सब्सटांसिस जिनकी ब्रेक डाउन होनी चाहिए वो ब्रेक डाउन जो है वो उनकी नहीं होती, उनकी एक्सेसिव जो है वो एकमुलेशन हो जाती है, तो जिससे डिजीजेज जो हैं वो रिजल्ट करती हैं। आर कॉल्ड एज द कंजेनिटल डिजीजेज बिकॉज दीज आर प्रेजेंट बाय बर्थ। कंजेनिटल डिजीजेज हम किनको कहते हैं, वो वाली डिजीजेज जो कि बाय बर्थ प्रेजेंट होती हैं। और दीज आर आल्सो कॉल्ड एज द स्टोरेज डिजीजेज, इनको हम स्टोरेज डिजीजेज का नाम भी देते हैं। एक्चुअली ये डिजीजेज क्यों होती हैं, ये डिजीजेज एक्चुअली इस वजह से प्रोड्यूस होती हैं कि उनमें जो है कोई भी लाइसोसोमल एंजाइम जो है उसमें कोई भी लाइसोसोमल एंजाइम जो है वो इफ़ेक्ट हो जाता है, क्योंकि कोई ऐसी म्यूटेशन हो जाती है जिसकी वजह से लाइसोसोमल एंजाइम जो है वो इफ़ेक्ट हो जाता है। तो वो लाइसोसोमल एंजाइम जो कि इफ़ेक्ट हुआ है वो जिसका कैटाबॉलिज्म जो है वो कैरी ऑन करता है, वो वाला कैटाबॉलिज्म या वो ब्रेक डाउन जो है वो नहीं हो सकती, तो वो सब्सटेंस जो है फिर एकमुलेट होना शुरू हो जाती है, और उसकी जब एकमुलेशन हो जाती है विद इन द सेल तो उसे वो स्टोरेज डिजीजेज रिजल्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल जो है वो आपकी बुक में कोड की हुई है, इन द ग्लाइकोजेनेसिस टाइप्स टू डिजीज, उसमें क्या होता है कि हमारे लिवर एंड द मसल सेल्स आर फिल्ड विद द ग्लाइकोजन विद इन द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, के मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स में ग्लाइकोजन की जो है वो एकमुलेशन हो जाती है। तो एक्चुअली ये एकमुलेशन क्यों होती है कि वो वाले एंजाइम जो के जिन्होंने ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करना है और उसको चेंज करना है ग्लूकोज में, वो एंजाइम जो है वो एक्चुअली एब्सेंट होती हैं, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन की एकमुलेशन हो जाती है। तो इस तरह की 20 सच डिजीजेज हैव बीन फाउंड टू नोन इन दीज डेज विच आर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ पर्टिकुलर एंजाइम। फॉर एग्जाम्पल उसमें टे-सैक्स डिजीज जो है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द एंजाइम दैट इज़ इन्वॉल्व इन द ब्रेक डाउन ऑफ द लिपर्स, के लिपर्स की ब्रेक डाउन जो है प्रॉपरली नहीं होती, उसकी वजह से लिपर्स की एकमुलेशन हो जाती है, और ख़ास तौर पर लिपर्स की एकमुलेशन इन द ब्रेन सेल इट मे लीड टू द मेंटल रिटार्डेशन एंड इवन इट मे कॉज डेथ। तो दिस वॉज अबाउट द लाइजोसोम्स, के सेलुलर ऑर्गेनेल्स विच आर कॉल्ड एज द लाइजोसोम्स, जो के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, और ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं विच आर फाउंड इन मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, और ज़्यादातर यूकैरियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट हैं। दिस वॉज अबाउट द राइजोसोम्स। द नेक्स्ट सेलुलर ऑर्गेनेल विच वी आर गोइंग टू स्टडी दिस इज कॉल्ड एज द पैराग्जिसोम। इससे पहले हमने पढ़ा है राइबोसोम, उसके बाद पढ़ा है लाइजोसोम, और उसके बाद है पैराग्जिसोम। तो ये सारे जो जोम जोम हैं ये आपने मिक्स नहीं करने, हर एक को जो है वो अलहदा अलहदा से तैयार करके और उसको अच्छी तरह से समझ के, ये ना हो कि सबको जो है वो मिक्स कर दें। तो नेक्स्ट इज़ द पैराग्जिसोम्स। पैराग्जिसोम्स क्या हैं, ये भी एक्चुअली पार्टिकल्स हैं
सेल के अंदर प्रेजेंट पार्टिकल्स एंड दीज आर आल्सो रिच इन द ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। पहले हमने पढ़ा था ऊपर लाइजोसोम्स के, उनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, इनमें ज़्यादा बर्नली ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट हैं सच एज द परऑक्सीडेज एंड कैटालेज, और इसके अलावा ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंड द अदर एंजाइम्स ऑक्सीडेज एंजाइम इनमें प्रेजेंट हैं। और इनको परऑक्सीजोम्स का नाम क्यों दिया जाता है, क्योंकि इन ऑर्गेनेल्स में ये ऑर्गेनेल्स जो हैं वो ऐसे रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं वेयर देयर इज़ द फॉर्मेशन एंड द डिकम्पोजिशन ऑफ द हाइड्रोजन परऑक्साइड टेक्स प्लेस, यानी उस प्रोसेस जो है वो सेल में चलता है जिसके रिजल्ट के तौर पे जो है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जिसको हम H2O2 कहते हैं। इसलिए जो है वो ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोजन परऑक्साइड्स इनको हम परऑक्सीजोम्स का नाम देते हैं। ये भी बिल्कुल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था लाइसोसोम्स जो हैं वो भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं, फाउंड बोथ इन केस ऑफ द प्लांट सेल एज वेल एज इन केस ऑफ द एनिमल सेल्स। और इनको हम करैक्टराइज किस तरह से करते हैं कि दे कॉन्टेन द H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, और ऑक्सीडेजिस और कैटालेजिस एंजाइम्स इनके पास अबंडेंटली प्रेजेंट हैं। साइज भी काफ़ी छोटा है, दीज आर अबाउट 0.5 माइक्रॉन इन द डायमीटर एंड दीज आर आल्सो फाउंड टू बी प्रेजेंट इन द प्रोटोजा यीस्ट एंड मैनी सेल टाइप्स ऑफ द हायर प्लांट्स के सेल्स में भी प्रेजेंट है, प्रोटोजान में और यीस्ट में भी जो है ये परऑक्सीजोम्स हैं प्रेजेंट हैं। एंड दीज वर ऑल्सो डिस्कवर्ड बाई द डी ड्वार्फ, जो हमने ऊपर लाइजोसोम्स पढ़ा था उन डिस्कवर किए थे और उन्हीं साइंटिस्ट ने ये परऑक्सीजोम डिस्कवर किए थे। और इसके बाद अभी हमने एक और सोम भी पढ़ना है, दैट इज़ कॉल्ड एज द ग्लाइऑक्सीजोम। तो ग्लाइऑक्सीजोम्स क्या है ये फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि ग्लाइऑक्सीजोम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल में आज के लिए ये काफ़ी है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़े और इन सब छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स को खास तौर पर डिस्टिंग्विश करके इनके फीचर्स तैयार करना है इनको। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।